यूआई कंट्रोलर, आपने सिर्फ एस्टिमेशन टाइम नोट करना होता है कि आपको इस तरह के प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करते कितना टाइम लग रहा है। मैन्युफैक्चरर, सारी की सारी फंक्शनैलिटी वही होगी। कंट्रोल एम ओ, इन तीनों एक्शंस को मैं यहां से कॉपी करता हूं और प्रोडक्ट कंट्रोलर में इसे पेस्ट करवा देता हूं। अब जो जो चीज़ें मुझे यहां से चेंज करनी है, जो जो उनसे पॉइंट्स, मैं उन्हें चेंज कर लूँगा। अब इसके साथ ही मैं यहां से डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी अप्लाई कर लेता हूँ। अब ये आई मैन्युफैक्चरर बीएस नहीं होगा, बल्कि ये होगा आई प्रोडक्ट बीएस। प्रोडक्ट बी एस है या प्रोडक्ट्स बी एस है? प्रोडक्ट बी एस। ओबीजे प्रोडक्ट बी एस। इसके साथ मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे भी चेंज कर लेता हूँ। देन ओके, अब यहां से मैन्युफैक्चरर्स की बजाय मैं यूज कर लेता हूं प्रोडक्ट्स कंट्रोल डॉट, और ड्यूएल को ऐड करवा दिया प्रोडक्ट्स। इसी तरह इस प्रोडक्ट्स को फर्दर किसी जगह पे चेंज करना है, यहां पे भी प्रोडक्ट्स चेंज करनी है। मॉडल डॉट प्रोडक्ट आईडी ग्रेटर देन वन, और इसके अलावा और किसी जगह पे चेंज करना है नहीं करना। ओके, मैं इसे कर देता हूँ क्लोज ऑल बट दिस। अब यहाँ से हमने ये मैसेज तो पास करवा दिया था, लेकिन इस मैसेज को डिस्प्ले नहीं करवाया। सो हम इस मैसेज को डिस्प्ले भी करवा लेते हैं। हमें कहाँ पे डिस्प्ले करवाना है? एक क्रिएट एक्शन में डिस्प्ले करवाना है, इसके साथ इंडेक्स में भी डिस्प्ले करवाना है। सो मैं इसके व्यू में आ जाता हूँ। ओके, इसके साथ अभी हमने व्यूज अटैच नहीं किए। मैं मैन्युफैक्चरर के व्यूज में आ जाता हूँ। क्रिएट और एडिट, गो टू व्यू। अब यहाँ से हम मैसेज कहाँ पे डिस्प्ले करवाएं? टॉप पे डिस्प्ले करवाएं, लास्ट पे डिस्प्ले करवाएं, यहाँ इस मैन्युफैक्चरर के नीचे डिस्प्ले करवा लें। अब अलर्ट्स हम सर्च कर लेते हैं। ये मेरे पास ऑलरेडी इंडिकेटर्स अलर्ट्स ओपन हो चुके हैं। हमें किस तरह से अलर्ट चाहिए? हमें सक्सेस के लिए ये अलर्ट चाहिए, डेंजर वार्निंग के लिए इस तरह से अलर्ट चाहिए। सो हम इसी को यूज़ कर लेते हैं। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। ये हमारा किस तरह से डिस्प्ले होगा? जिस तरह आपके पास वार्निंग डिस्प्ले हो रही है, ये सारा अलर्ट इस तरह से मेरे पास डिस्प्ले हो रहा होगा। इसके अलावा फर्दर नीचे भी अगर कोई अलर्ट्स हो या एरर मैसेज डिस्प्ले करवाने का कोड हो, सो हम उसे भी रीड करके जो बेस्ट वे होगा उसे यूज कर लेंगे। मैं यहाँ से नीचे आ जाता हूँ, मैं इसके कोड को कॉपी करता हूँ और ये हमारे पास अलर्ट डिस्प्ले हो जाएगा। अलर्ट, अब अलर्ट के अंदर हमें ओ स्नैप मीन्स यहाँ पे हेडिंग क्या देनी है, और देन बी आर को हम यूज कर लेंगे। हमें किस तरह से डिस्प्ले करवाना है? मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवा लेता हूँ जो मेरे पास यहाँ से टेम्प डाटा में एरर मैसेज आ रहा है। ये एरर मैसेज हम पहले चेक कर लेते हैं कि ये एरर मैसेज अवेलेबल है या नहीं। अगर तो अवेलेबल है, तब हमें यहाँ पे ये अलर्ट डिस्प्ले हो जाए। टेम मैसेज, नॉट इक्वल टू नल। सो यहाँ से मैं करवा देता हूँ एरर, और ये मुझे लिंक में डिस्प्ले नहीं करवाना, बल्कि मुझे टेक्स्ट में डिस्प्ले करवाना है। सो टेक्स्ट के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? इसे मैं चेक कर लेता हूँ। टेक्स्ट के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं हम? सिंपल पी टैग को यूज़ करके डिस्प्ले करवा दें। ओके, तो मैं यहां से सारे को रिमूव करता हूं और पी टैग में इस एरर मैसेज को डिस्प्ले करवा देता हूं डॉट टू स्ट्रिंग। इसी तरह जब मेरे पास रिकॉर्ड क्रिएट होगा, तभी हमें एरर मैसेज पास करने हैं। सो इस सक्सेस मैसेज पास करने हैं। सो क्रिएट के टाइम पे भी मैं यहां से सक्सेस मैसेज पास करवा देता हूं। ये मेरे पास अब सक्सेस मैसेज होगा, और रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली।
सेम कोड को मैं यूज़ कर लेता हूँ इसके नीचे, क्या चाहे एरर हो चाहे सक्सेस हो इसी जगह पे डिस्प्ले हो। सो इसके लिए सक्सेस मैसेज, और सक्सेस का कोड क्या है हमारे पास, इस कोड को मैं देख लेता हूँ कौन सी क्लास है सक्सेस की। ओके, बाकी सारा कोड हम एज इट इज़ रहने देते हैं, और सिर्फ यहाँ से डेंजर की बजाय सक्सेस और यहाँ पे सक्सेस मैसेज। ओके, एरर हमने डिस्प्ले करवा लिए, सेम प्रोसेस हम इस पे भी अप्लाई कर लेते हैं। अब फर्स्ट पे मैं इसके साथ इंडेक्स को अटैच करवा लेता हूँ, एड व्यू, और मुझे प्रोडक्ट्स, सॉरी मेरा मैन्युफैक्चरर ऑलरेडी ऐड है इसके साथ गो टू व्यू, मुझे प्रोडक्ट्स का ऐड करवाना है। सो मैं प्रोडक्ट्स कंट्रोलर में आ जाता हूँ, ये एरर मैसेज सॉरी सक्सेस मैसेज मैं मैन्युफैक्चरर में भी डिस्प्ले करवा लेता हूँ यहाँ पे। एड व्यू होने के बाद लिस्ट, और लिस्ट हमें चाहिए प्रोडक्ट्स की, मेरे पास प्रोडक्ट्स BOL और एड। ओके, मैं इसके व्यू में चला जाता हूँ। ओके, टेबल जो सेम फंक्शनैलिटी हमने मैन्युफैक्चरर पे अप्लाई की है वही कॉपी पेस्ट करके हम इस पे भी अप्लाई कर लेते हैं। इसके टेबल पे हमने यहाँ पे इंडेक्स की बजाय हम यहाँ पे इसे लिस्ट का नेम दे देते हैं, और इसी तरह ये एक्शन कॉपी किया प्रोडक्ट का इंडेक्स, और यहाँ पे आके क्रिएट होगा और इसका नेम लिस्ट। इसके अलावा टेबल का हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, लास्ट पे आके हमने सिर्फ चेंज कर दिए थे दो लिंक्स को, सो मैं इन दो लिंक्स को डिलीट कर देता हूँ। ओके, हमारा टेबल इम्प्लीमेंट हो गया, अब मैं इसे कर देता हूँ क्लोज, और क्रिएट और एडिट इसके साथ भी एक्शन अटैच कर लेता हूँ, एड व्यू। प्रोडक्ट्स BOL और एड। अब इसके व्यू में मुझे यहाँ से मैन्युफैक्चरर की लिस्ट भी पास करवानी है। सो लिस्ट के साथ हम डिटेल में वर्किंग कर चुके हैं, रेडियो बटन्स के साथ डिटेल में वर्किंग कर चुके हैं, चेक बॉक्सेस के साथ डिटेल में वर्किंग कर चुके हैं। अगर आपको आपकी उस कोड पर प्रैक्टिस ना हो, आप उस कोड को ओपन करके एज इट इज कोड को अपने पास यूज कर सकते हैं, फिर विद इन द टाइम जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तब आप लिस्ट को ऐड कर लें। ये मेरे पास लिस्ट आ रही है, हम इसे देखते हैं कि हम इसे कैसे ऐड करवा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ से इंडेक्स और इस प्रोडक्ट के नीचे इंडेक्स को डिस्प्ले करवा देता हूँ, इसे मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब मैं मैन्युफैक्चरर का क्रिएट पेज भी ओपन कर लेता हूँ, ताकि सेम फंक्शनैलिटी जो मैंने यहाँ पर ऐड की है उसी को मैं प्रोडक्ट्स में भी ऐड कर सकूँ। मैन्युफैक्चरर के बजाय ये मेरे पास होगा प्रोडक्ट्स। मुझे यहाँ से कुछ भी चेंज नहीं करना, सक्सेस मैसेज में भी कुछ भी चेंज नहीं करना, इसी तरह यहाँ पे भी मुझे कुछ भी चेंज नहीं करना, सेम व्यू है। अब फर्दर यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, वैलिडेशंस समरी मैं रिमूव कर देता हूँ, प्रोडक्ट ID यहाँ पे हमारे पास मैन्युफैक्चरर ID ऐड होगी, ये मैन्युफैक्चरर ID इसे भी मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके, नेम, प्राइस, और प्राइस के बाद यहाँ से हमारे पास मैन्युफैक्चरर ID हमने ड्रॉपडाउन में से सेलेक्ट करनी है। अब हम इस पर बात कर चुके हैं, हम इसे कैसे सेंड कर सकते हैं, हम व्यू बैग में सेंड कर दें मैन्युफैक्चरर लिस्ट, या हम मॉडल में ही सेंड कर दें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से इस लिस्ट को क्रिएट कर लेते हैं कि कौन सी लिस्ट मेरी पास होगी। सॉरी, मैं इस वक्त मैन्युफैक्चरर में हूँ, प्रोडक्ट में हमारी पास होगी वेयर मैन्युफैक्चरर लिस्ट इक्वल टू, अब मुझे मैन्युफैक्चरर का ऑब्जेक्ट भी चाहिए, सो मैं मैन्युफैक्चरर में आके इसका ऑब्जेक्ट भी इंजेक्ट करवा लेता हूँ।
और यहाँ पे ओबीजे मैन्युफैक्चर बीएस डॉट गेट कॉल, यहाँ से हमारे पास लिस्ट आ गई। अब इसे हम किस तरह से पास करते थे या इसकी लिस्ट कैसे क्रिएट करते थे, मैं यहाँ से व्यू बैक में आ जाता हूँ। मेरे पास ये व्यू बैक है, इस व्यू बैक को मैं कॉपी कर लेता हूँ और व्यू बैक देन न्यू सेलेक्ट लिस्ट कंट्रोल डॉट प्रेस करके इसका रेफरेंस ऐड कर लेते हैं। अब हमारे पास एक सेलेक्ट लिस्ट होती है, एक सेलेक्ट लिस्ट आइटम्स होती हैं, सो इन पे भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, आप प्रीवियस क्लासेस को चेक कर सकते हैं। अब मैन्युफैक्चरर में हमारी आईडी क्या होगी, मैं इसके क्लास में चला जाता हूँ। ये मेरे पास मैन्युफैक्चरर आईडी वैल्यू मेंबर होगा और नेम डिस्प्ले मेंबर। सो फर्स्ट पे हमें वैल्यू मेंबर देना है या डिस्प्ले मेंबर, फर्स्ट पे हमें वैल्यू मेंबर देना है, वैल्यू मेंबर और डिस्प्ले मेंबर। सो ये हमारी लिस्ट प्रिपेयर हो गई, इसे हम व्यू बैग में पास करवा दें या इसे हम प्रोडक्ट्स में पास करवा दें। सिलेक्ट लिस्ट कंट्रोल डॉट और ASP.NET इंस्टॉल पैकेज, यही पैकेज इसका इंस्टॉल होगा या कोई और पैकेज चाहिए इसे। इंस्टॉल पैकेज कंट्रोल डॉट पैकेज ऐड हो गया। और इसका हम नेम क्या रखें, इसका हम नेम रख लेते हैं मैन्युफैक्चरर लिस्ट और प्रोडक्ट में ओबीजे डॉट मैन्युफैक्चरर लिस्ट, और यहां से इसे भी कट करता हूं मैं और यहीं पे आके पेस्ट कर देता हूं ताकि एक लाइन में ही हम अपना कोड राइट कर सके। अब मेरे पास किस चीज़ का एरर आ रहा है, मेरे पास रेंडरिंग डॉट एमवीसी डॉट लिस्ट, इसके लिए हम किस क्लास को यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए हम डिफरेंट क्लास को यूज़ कर रहे हैं वेब डॉट एमवीसी, और इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं ASP.NET कोर डॉट एमवीसी। ओके, सो इसमें वेब डॉट एमवीसी की बजाय कहाँ पे है मेरे पास प्रोडक्ट डॉट रेंडरिंग, अगर मैं इसे माउस ओवर करता हूँ डॉट कोर डॉट एमवीसी डॉट रेंडरिंग, ओके वेब की बजाय ASP.NET कंट्रोल डॉट और कंट्रोल डॉट वेब डॉट को हमने यूज़ नहीं करना, हम यहाँ से इसे ओके फिर वक्त इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं इसे व्यू बैक से ही पास करवा देता हूँ। व्यू बैक अब इसे कैसे फिक्स करना है हम क्लास में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस, मैं इस पर अगेन टाइम वेस्ट नहीं करता, अदरवाइज हमारा टाइम पहले ही शॉर्ट होता जा रहा है। ओके अब इस पेज को रन करके चेक कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं हमें इसमें कुछ चेंजेस करनी है या नहीं। इसके साथ ही मैं लेआउट में इसका लिंक ऐड करवा देता हूँ, लेआउट और फिर मैन्युफैक्चरर का लिंक ऐड है प्रोडक्ट्स ASP-Controller देन ASP-Action, कंट्रोलर नेम है मेरे पास प्रोडक्ट और एक्शन है इंडेक्स, कंट्रोल शिफ्ट बी, और अब इसे रन करके देखते हैं। अब यहाँ पे मुझे एक और पॉइंट एक्सप्लेन करना है जो प्रीवियस काफ़ी क्लासेस से मैं आपको एज अ टास्क देता रहा हूँ। सबसे पहले आपने मुझे बताना है कि इसका क्या सलूशन है, मुझे भी पता लगे किसने इस पे सर्चिंग की है या नहीं। मैं आ जाता हूँ प्रोडक्ट्स में डायरेक्ट, प्रोडक्ट्स क्रिएट, और यहाँ से मेरे पास डिफॉल्ट डिस्प्ले हो रहा है, हमने डिफॉल्ट डिस्प्ले नहीं करवाना, और इसके साथ यहाँ पे मैन्युफैक्चरर आईडी भी डिस्प्ले हो रही है। हम मैन्युफैक्चरर आईडी डिस्प्ले नहीं करवाना चाहते, हम इसका डिस्प्ले नेम चेंज करवाना चाहते हैं, हम अपनी मर्जी से डिस्प्ले करवाएं। सो इसके दो ऑप्शन हैं, चाहे हम इस मॉडल में आके डिस्प्ले प्रॉपर्टी को यूज़ कर लें, यहाँ पे डिस्प्ले प्रॉपर्टी को यूज़ कर लें, या फिर हम अपने फ्रंट पे ही ASP के साथ इसे बाइंड करवाने की बजाय
लेबल को चेंज कर दें मैन्युफैक्चरर। ओके मैन्युफैक्चरर, सो यहाँ से मैन्युफैक्चरर चेंज हो जाएगा। और इसी तरह मुझे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ऐड करवाना है, मैं यहाँ से डिफ़ॉल्ट भी ऐड करवा लेता हूँ। जब भी हम रिलेटेड एंटिटीज़ को लोड करवाते हैं तो रिलेटेड एंटिटी के साथ मेरे पास सर्कुलर डिपेंडेंसी ऐड हो जाती है। अब उस सर्कुलर डिपेंडेंसी को किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ एक लेवल तक रिलेटेड एंटिटी चाहिए, ना कि फर्दर उसके चाइल्ड, अगेन चाइल्ड, अगेन चाइल्ड। ये वो प्रॉब्लम है जो हम प्रीवियस काफ़ी क्लासेस से मैं आपसे डिस्कस करता आ रहा हूँ कि इसका सलूशन फाइंड करें, इसका सलूशन फाइंड करें, क्योंकि हर एक क्लास के अंदर हमने नेविगेशन प्रॉपर्टी को ऐड किया है। सो जब भी हम एक रिलेटेड एंटिटी को लोड करवाएंगे उसके चाइल्ड्स भी लोड होते जाएंगे। जैसे मैं प्रोडक्ट, लेट्स से मैं कोई भी प्रोडक्ट ऐड कर लेता हूँ, डबल ऐड कर लेता हूँ, इसकी प्राइस 20, इसके बाद मार्क, सेव पे क्लिक किया, मेरे पास प्रोडक्ट ऐड हो गई। लेकिन मेरे पास यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए, हमने जो मैसेज ऐड किया था हमने किस पेज पे ऐड किया, हमने ऐड किया है क्रिएट पेज पे, इस पेज पे ये मेरे पास मैसेज आ रहा है, हमने इसे चेंज नहीं किया। ये मैसेज मेरा यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, बल्कि कहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए, लिस्ट में। क्यों? क्योंकि मैं इसे रीडायरेक्ट करवा रहा हूँ लिस्ट में, और अगर कोई एरर होगा तो उसे भी यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। इट मीन्स हमने मैसेज इन दोनों पेजेस पे डिस्प्ले करवाना है। सो जो सा मैसेज हम लिस्ट पे डिस्प्ले करवा रहे हैं, मैं यहाँ से इन दोनों को क्लोज कर देता हूँ। अब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की लिस्ट पे मेरे पास मैसेज है, लिस्ट पे कोई मैसेज नहीं है, प्रोडक्ट के मैं क्रिएट पे आ जाता हूँ। यहाँ पे जो मेरे पास मैसेज है, इन दोनों मैसेजेस को, और यहाँ पे एरर की बजाय सक्सेस, इन दोनों मैसेजेस को मुझे डिस्प्ले लिस्ट पे भी करवाना है। और इसे मैं नेम दे देता हूँ प्रोडक्ट्स लिस्ट, और ये मेरे पास मैसेज डिस्प्ले हो गया। यहाँ पे कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं, ओके कोई लिंक चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अब मैन्युफैक्चरर में आ जाता हूँ, मैं सबसे पहले इसके एरर को चेंज कर लेता हूँ, एरर की बजाय यहाँ पे हमें सक्सेस। और इसी तरह इंडेक्स में आके मैं मैसेज को डिस्प्ले करवा देता हूँ, ये मेरे पास मैन्युफैक्चरर लिस्ट है जी। अगर किसी ने इस पे सर्चिंग की है तो मुझे लाजमी तौर पे बताएं कि हम किस तरह से रिलेटेड एंट्री को एक लेवल तक ही लोड करवा सकते हैं, ताकि यहाँ पे अब मुझे इस मैन्युफैक्चरर में, सॉरी इस प्रोडक्ट में, जब मैं इसे ऐड करवाऊँगा मैन्युफैक्चरर का नेम भी डिस्प्ले करवाना है। सो जब मैं रिलेटेड एंट्री को लोड करवाऊँगा तो मेरे पास सर्कुलर डिपेंडेंसी लाजमी तौर पर ऐड हो जाएगी। मेरे पास कहाँ पे सेमी कॉलन, किस जगह पे मिस्टेक हो गई है सेमी कॉलन की, ओके इस ब्रैकेट को क्लोज नहीं किया, इसे यहाँ पे क्लोज करना है। कंट्रोल शिफ्ट बी अगेन चेक कर लेते हैं, एरर है, ओके अब नेक्स्ट, कहाँ पे सेमी कॉलन का एरर आ रहा है मेरे पास, मैंने सिर्फ इस सक्सेस को चेंज किया, ओके नो इशू फाउंड, कंट्रोल शिफ्ट बी। मेरे पास एरर लिस्ट, यहाँ पे एरर लिस्ट आ रहा है, ओके मैं इन्हें क्लोज कर देता हूँ। अब प्रोडक्ट की लिस्ट जब हम डिस्प्ले करवाएंगे तो इस प्रोडक्ट के साथ हमें रिलेटेड एंट्री को भी इस मैन्युफैक्चरर का नेम डिस्प्ले करवाना है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरर डॉट नेम, अब इसे हम किस तरह से इसमें लोड करवाएंगे, मैं सबसे पहले इसमें आ जाता हूँ गेट ऑल, और गेट ऑल में आके यहाँ से मेरे पास गेट ऑल की इम्प्लीमेंटेशन में आ जाता हूँ, और यहाँ से व्यू, और इस गेट ऑल में अब इस प्रोडक्ट के साथ हमें और कौन कौन सी रिलेटेड एंटिटीज चाहिए हम उसे भी गेट कर लेंगे। हमें पता है कि रिलेटेड एंटिटी को लोड करवाने के हमारे पास कौन कौन से वेज हैं, इस वे को हम क्या नाम देते हैं, इंक्लूड को यूज़ करके जो भी हम रिलेटेड एंटिटी को लोड करवाते हैं
इसे हम नेम देते हैं ईगर लोडिंग का। हमारे पास तीन वेज होते हैं, ईगर लोडिंग, लेजी लोडिंग एंड एक्सप्लिसिट लोडिंग। हम मोस्टली रियल टाइम एप्लीकेशन में ईगर लोडिंग को ही यूज कर रहे होते हैं। मैं यहाँ से मैन्युफैक्चरर डॉट टू लिस्ट, सॉरी डॉट टू लिस्ट, और टू लिस्ट मेरी अवेलेबल है सिस्टम डॉट लिंक में। इसे मैं नेक्स्ट लाइन पे ले आता हूँ। मैं यहाँ से आके लिस्ट इक्वल टू, ये मेरे पास डिस्प्ले हो गया लिस्ट। ओके, अब जरा इसे रन करके इस पॉइंट पे आते हैं और अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पहले अंडरस्टैंड करते हैं, देन इसका सलूशन देखते हैं।